नमस्कार मंडळी, सर्वप्रथम सर्वांना जय जिजाऊ जय शिवराय। तर सॉरी, तो कुछ दिन पहले हमने सुभेदार नाम का एक टीज़र देखा था, उसके बाद उसका एक सॉन्ग आया था मावळ जागं झालं र, तो उस पर भी आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा। जिन जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उस सॉन्ग से उनको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी का म्यूज़िक कितना ज़्यादा बेहतरीन है। तो उससे एक सॉन्ग आया है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने टीज़र में और उस गाने में देखा है कि मूवी का म्यूज़िक इतना बढ़िया है, तो इस मूवी का हर सॉन्ग जो आएगा वो कैसा होगा। तो ऑब्वियसली हम ये सॉन्ग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो देखते हैं ये सॉन्ग कैसा है, एंड डेफिनेटली आप ये सॉन्ग ज़रूर एंजॉय करोगे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ऑलरेडी इस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी हुई है। तो चलिए देखते हैं सॉन्ग कैसा है, बाकी की सभी बातें बाद में करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये सॉन्ग फिलहाल लिरिकल फॉर्मेट में है, उसका शायद वीडियो सॉन्ग बाद में आएगा जो ऑफिशियल वीडियो होगा, तो अभी ये लिरिकल सॉन्ग है तो देखते हैं। सो स्टार्ट। शशिवाचे ते शोळामी त्या भैरवाचे आम्ही निळकंठ विष पिऊन मोडी तो वैराची मुंडकी मोजून चंडीची ती प्यास मराठे दुर्गेचे ते हास्य मराठे इसे लाडवा जाऊन कोरे फाडून पल्ल्याड जाती मराठे रक्त अस्त्र वज्र ज्यांचे वार गाव दन त्यांचे ढाल देगीची खण 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 मनी स्वराज्य दण 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 शिवरायांची अन मराठे जिजामातेचा मान मराठे उडत जाती शत्रु सारा भगवाच्या तळात रोवे मराठे आले मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मोळी तो वैराची मुंडकी मोजून पाचाई जोडते असे मराठे आले मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मोळी तो वैराची मुंडकी मोजून पाचाई जोडते असे मराठे योगी शिवराय रूपान जो अवतरे आता गीतेचा अर्थ रेखी तो तेजाळ तलवारे आला बळ ज्याचे दळ भार गज बळे रण धुळे रक्त जळे वैरी पळे कदिंग काळ हा मृत्यूचा रक्ताने माखला रणात धावला शक्ती असते अहम पातुम विरकृते रक्त स्नान महम कर्तुम तपरिते हरी मुंड भस्मम कर्तुम रक्षकृते मस्तक खड्ग छिन्नम कर्तुम धर्महिते शंकराय रक्त अर्पण रंग 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 रण धीराय स्वेद अर्पण हम 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 हनुमताय प्राण अर्पण कं 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 कालिकाय मुंड अर्पण नाद गूंजे तिकंबरा डम 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 डम
का पोवाड़ा। अंबाबाईचा उदो उदो हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो आई होप कि वीडियो में यहाँ तक जो जो लोग आए हैं उनको डेफिनेटली सॉन्ग पसंद आया होगा, तभी तो वो यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। सो हमने सूबेदार नाम का एक टीजर देखा था, तो उसी में से ये एक सॉन्ग है। इसका पहले एक और सॉन्ग आया हुआ है, मावळ जागं झालं रं, वो भी एक नंबर सॉन्ग था। और ये सॉन्ग, इसके बारे में क्या शब्द बोलूँ मैं, ये सॉन्ग तो ऐसा है कि नींद में भी किसी को उठाकर खड़ा कर दे और उसमें एक ऐसा जोश भर दे और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी भक्ति भर दे कि मतलब वो हर कोई चीज़ करने को तैयार हो जाए अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए। जिस एनर्जी के साथ ये सॉन्ग गाया है ना, तो जो सिंगर है उनको सच में डेफिनेटली 100 तोपों की सलामी तो बनती है वॉस। और जैसे कि बीच में वो लिरिक्स आते हैं ना रैप की तरह, महादेव के लिए कुछ लाइन्स बोली गई है, माँ साहेब जिजाऊ के लिए कुछ लाइन्स बोली गई है, उन शिवाजी महाराज के मावड़ों के लिए और खुद शिवाजी महाराज के लिए उसमें कुछ लाइन्स बोली गई है, लेकिन उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, हर कोई जो इंडस्ट्री में सिंगिंग करता है, जो म्यूज़िक कंपोज करता है, वो हर कोई इस गाने को सलाम ज़रूर ठोकेगा, क्योंकि जिस तरह से म्यूज़िक को कंपोज किया है ना बॉस, हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप फिलहाल चल रही बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा कर देख लो और उसमें से कोई भी ऐसा सॉन्ग निकाल कर दिखाओ कि इस तरह की एनर्जी से हम उसे कंपेयर कर पाए। इस तरह के सॉन्ग सामने वाले पर्सन में एक अलग एनर्जी भरते हैं एंड ये बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। एंड दिग्पाल लांजेकर जी की मैं पहले से ही फ़ैन हूँ, उनकी जो मूवीज़ आती है वो आउटस्टैंडिंग होती है, उसकी स्टोरी पहले ही ऑडियंस को पता होती है, क्योंकि ये सभी जो फिल्में हैं वो हिस्ट्री पर बेस है। तो हिस्ट्री में जो जो शिवाजी महाराज की जो स्टोरी है उसमें जो जो सुपर हीरो कहेंगे हम उनको, सच में सुपर हीरो थे वो, जो जो सुपर हीरोज रह चुके हैं, जो हमारे मावड़े हैं उनकी स्टोरीज है, तो उन स्टोरीज को, हर एक की स्टोरीज को ये दिखाते जा रहे हैं दिग्पाल लांजेकर जी। तो दिग्पाल लांजेकर जी ये जो काम कर रहे हैं ना, पहले तो उनको उसके लिए हाथ जोड़कर बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। और जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसके लिए उनकी पीठ थपथपाने के लिए मेरी उनसे उम्र कम है, लेकिन हाँ, एक शिवभक्त होने के नाते मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, जिस तरह से वो स्टोरीज वो ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं, जिस ढंग से पहुँचा रहे हैं, ये बात हर किसी को जमती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को जो हिस्ट्री पहले से ही पता है उसको आपको फिल्म में दिखाना है और इस ढंग से दिखाना है कि ऑडियंस लास्ट तक वो फिल्म देखे और पूरे इमोशंस के साथ उससे कनेक्ट कर पाए। एक्टर जब रोए तो ऑडियंस रोए, एक्टर जब हंसे तो ऑडियंस हंसे, और एक्टर जब सामने कुछ ऐसा करे कि ऑडियंस यहाँ पर प्राउड फील करे, तो वो सब इनकी मूवीज़ में फील होता है। अगर आपने पावन खिंड मूवी देखी होगी ना, जिस किसी को भी मराठी समझ में आती है, तो दिग्पाल लांजेकर किस लेवल के, किस दर्जे के डायरेक्टर है ना, वो आपको समझ में आएगा। उस फिल्म में जो जो इमोशन दिग्पाल लांजेकर जी दिखाना चाहते थे ना, वो उन्होंने ऐसे दिखाए थे, मतलब आप वहाँ थिएटर में थे लेकिन आपको लग रहा था कि आप उस स्टोरी का हिस्सा है और हर जो फैक्ट है, हर जो इमोशन है, वो आपको वहाँ पर फील हो रहा था। जब वो रो रहे थे ना, तो सच्ची में ऑडियंस थिएटर में रो रही थी। तो इस तरह की कुछ मूवीज़ हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए ज़रूरी है, मतलब हर कोई रीजनल इंडस्ट्री है उसमें कोई ना कोई बेस्ट प्रोडक्ट आ ही रहा है। तो वैसे प्रोडक्ट्स अगर ऑल ओवर इंडिया, मतलब पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स बन जाए तो सोचिए कितना बढ़िया होगा। सो आप में से किन किन लोगों को ये सॉन्ग पसंद आया, या फिर सूबेदार मूवी का टीजर पसंद आया, या फिर पहला सॉन्ग जो था मावळ जागं झालं रं वो पसंद आया, दोनों में से आपको कौन सा सॉन्ग पसंद आया ये तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं तो एक बार सुनकर रुकने वाली नहीं हूँ, मैं बार बार ये सॉन्ग सुनने वाली हूँ, क्योंकि इस सॉन्ग में एनर्जी है ही ऐसी कि वो एनर्जी हमें लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन ज़रूर देती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टोरी है वो पहले से ही मोटिवेटिंग है, तो और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती एक महाराष्ट्रियन को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय शिवराय।